सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम चैनल पर आए, 31 वीडियो को डाला, 83,500 सब्सक्राइबर को गेन कर लिया। अब 16 जून 2023 को बनाया गया है इन्वेस्टमेंट के लिए अर्निंग प्रूफ, देख लीजिए। $1400 से $22,900 का व्यूज की बात करें तो 5 मिलियन से ज़्यादा व्यूज आ रहा है, 5.5 मिलियन व्यूज इनको पर मंथ मिल रहा है और 17,000 परसेंटेज के अंदर इनको सब्सक्राइबर मिल रहा है। ये तो सभी के चैनल पर चलता है, उठना गिरना या तो प्रकृति का खेल है मेरे भाई। तो इससे आपको घबराना नहीं है कि अब हमारा चैनल डाउन है, तो कभी डाउन है तो कभी उठेगा, ये तो उठना जाना है। आप देख सकते हैं यह चैनल पर फिलहाल इतना व्यूज आ रहा था और फिर ये गड्ढे में चला गया पूरा, 3,26,000 रह गया ओनली। और फिर इस समय आप देखेंगे इस चैनल पर तो करोड़ों की तादाद में यहाँ पर व्यूज आ रहा है, यानी मिलियन की तादाद में यहाँ पर व्यू आ रहा है। सब्सक्राइबर के नीचे को बात करें तो हमें यहाँ पर 567 सब्सक्राइबर पर डे इनको मिल रहा है, 3,960 सब्सक्राइबर पर वीक इनको मिल रहा है और लास्ट 30 डेज के अंदर 17,000 इनको सब्सक्राइबर मिल रहा है। बात करते हैं कौन सा चैनल कैसे क्रिएट करना है, सभी जानकारी देने वाला आज की इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गमदीत यादव, स्वागत करता हूँ अपने आपके बेस्ट अर्निंग टिप्स यूट्यूब चैनल में। यदि आपको मॉरल कार्टून, हॉरर कार्टून, बर्ड कार्टून, मोटू पतलू वीर जैसे कार्टून मोबाइल से फ्री के अंदर सीखनी है तो मेरे भाई चैनल बनाओ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम चैनल पर आए, 31 वीडियो को डाला, 83,500 सब्सक्राइबर को गेन कर लिया। अब आप काफ़ी लोग इस वीडियो को देखने के बाद निगेटिव कमेंट करेंगे, कुछ मेरे भाई जो मुझे मानते हैं, दिल से मानते हैं, मैंने उनको कुछ दिया है, वो इस वीडियो पर पॉजिटिव बढ़िया कमेंट करेंगे, मतलब अच्छी कमेंट करेंगे पढ़ने लायक। और कुछ लोग ये कहेंगे तुम क्यों नहीं कर लेते। मेरे दोस्त, मेरा करने का काम बताने का काम है प्लस करने का काम है। तो आप देख रहे होंगे मेरा सेकंड चैनल है, उस पर धमाका कार्टून्स आ रही हैं और इस चैनल पर भी मैं एक एक कार्टून डाल रहा हूँ, जिससे कि मुझे इस चैनल को कार्टून में कन्वर्ट करना आगे चलकर, यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो, इसलिए मैं ऑडियंस को अभी से बिल्ड कर रहा हूँ, समझे। और एक खुशखबरी आप सभी के लिए, मेरा इसी मंथ पेमेंट आने वाला है, तो आप सभी का दिल से थैंक, जो कि आप सभी ने इतने ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया। यहाँ पर चैनल वाले सेक्शन में आज 2 दिन में 1,00,000 व्यूज आया है और 6 दिन में 2,40,000 व्यूज आया है और 9 दिन में 1,40,000 व्यूज आया है और 12 दिन में 57,000 व्यूज आया है। बात करते हैं कब चैनल को बनाया गया है, तो आप जाकर देखेंगे मेरे भाई तो इस चैनल को 16 जून 2023 को बनाया गया है। तो भैया आपने देखा कि इतनी जल्दी चैनल बूस्ट करी, तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ा मेन रोल कहाँ पर है, वीडियो की लेंथ। जी हाँ दोस्तों, वायरल करने का सबसे मेन पॉइंट होता है वीडियो की लेंथ। हमारी वीडियो की लेंथ 5 से 6 मिनट बन पाती है, क्योंकि यार बड़ी मेहनत करते हैं और इतना टाइम हमको लगता है कि इस चैनल की भी वीडियो बनाना है, उसकी भी बनाना है और इस पर एक स्टोरी डालने के लिए बनाना है, तो टाइम कम मिल पाता है, इस वजह से हम 6 मिनट की वीडियो बनाते हैं। लेकिन आप 10 मिनट की वीडियो बना लेंगे तो आप इसी तरीके से अपने चैनल को बूस्ट करने में हाथ बढ़ा लेंगे। 79,000 व्यूज आया मेरे भाई और 46,000 व्यूज आया मेरे भाई, 23,00,000 व्यूज आया मेरे भाई, बताइए 18,00,000 व्यूज आया मेरे भाई, तब कहीं जाकर इतना सब्सक्राइबर मिला है। तो रेवेन्यू तो आप देख ही लिया कि कितना ज़्यादा रेवेन्यू इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके दिखाया, कितना कमाया जा रहा है। अब बात करते कैसे बनाना है। मोटिवेशन तो हमने आप सभी ने बहुत ज़्यादा ले लिया, अब मोटिवेशन के साथ हम समझते कि इन कार्टून को बनाना कैसे है। सबसे पहले आपको टूल की ज़रूरत पड़ने वाली है, उसका नाम है क्रोमा टूल। हर वीडियो में बताता हूँ, फिर भी काफ़ी भाइयों के कमेंट्स आते हैं कि भैया एप्लीकेशन का नाम नहीं बताते। जी हाँ दोस्त, क्रोमा टूल एप्लीकेशन से हम कार्टून्स बनाते हैं और प्लस आपको सिखाते हैं। क्रोमा टूल दुनिया का एक ऐसा एप्लीकेशन है, इससे आप बड़ी ही आसानी से 2D कार्टून को क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट बटन, इस पर आपको क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर जो ऑप्शन इस पर आप क्लिक करना है, यहाँ से आप अपना इम्पोर्ट कस्टम पर क्लिक करना है, फ्रंट ड्राफ्ट को चेक करना है, लोड पर क्लिक करना है। यानी कि हम अब क्या कर रहे हैं, हम अपने करेक्टर को इम्पोर्ट कर रहे हैं। इसके अंदर 4 करेक्टर दिए गए होते हैं, आपकी मर्जी, आप वो करेक्टर यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम अपने करेक्टर को इम्पोर्ट कर लें, तो फिलहाल हमारे पास कोई अच्छा करेक्टर्स होगा तो हम उसी करेक्टर को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेंगे। तो चलिए, हमने राम का करेक्टर यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप चाहें तो आपके मन में जो भी यहाँ से करेक्टर्स आ रहे हैं उन करेक्टर को आप यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरीके से 4 करेक्टर्स इम्पोर्ट कर लेते हैं,
जो कि हमारी कार्टून के अकॉर्डिंग यहाँ पर होने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर 4 करेक्टर को इम्पोर्ट कर लिया है, आप भी इसी तरीके से इम्पोर्ट करते हैं। 1 करेक्टर को हमने यहाँ पर इम्पोर्ट किया अपने कस्टम से, बाकी 3 करेक्टर को हमने क्रोमाटून से मतलब इम्पोर्ट किया। अब यहाँ पर आने के बाद आपको जो फ्रंट ड्राइव जो यहाँ पर ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर अब आपको स्टोरी कम्प्लीट करनी है। सबसे पहले आपको स्टोरी जो आपने लिखी है, जो आपने स्टोरी मन में सोची है, उस स्टोरी को एक बार ध्यान में रखते हुए अपनी एनिमेशन डालनी है। मान लीजिए कि मेरी एनिमेशन के अंदर सबसे पहले राम जी अपनी टॉकिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर जाएंगे कि राम जी बोलेंगे तो यहाँ पर टॉक वन ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। बार के बाद प्लीज इनगौर कर देना, तो इसी तरीके से यहाँ पर हम आइडियल कर देंगे, यानी कि शांत स्वभाव कर देंगे। और अब मान लीजिए कि सेकंड पोजीशन में ये बच्चा बोलेगा, तो बच्चे को हम टॉकिंग पर सिलेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से ऐसे, और यहाँ पर थर्ड में इसे शांत कर देंगे ऐसे। तो यहाँ पर इसी तरीके से अब एनिमेशन को चेक करेंगे, फर्स्ट में राम जी बोल रहे हैं, सेकंड पर राम जी पर क्लिक कर देंगे, राम जी शांत हो जाएंगे। सेकंड पर इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे बोलना शुरू कर देगी, इसमें बंद कर देंगे। तो इस तरीके से आप जो भी एडवांस एनिमेशन आपको डालनी है, हाथ झोलने वाली एनिमेशन है, पैर चलाने वाली है, फ्लाइंग करने वाली हैं, पेड़ काटने वाली हैं, नाचने वाली हैं, कूदने वाली हैं, पानी में तैराने वाली हैं, A to Z आपके भैया ने एनिमेशन अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, फावड़ा चलाने वाली हैं, पेड़ को काटने वाली हैं, ऐसी कोई एनिमेशन आपके भाई ने नहीं छोड़ी। यदि आपको लगता है कि एनिमेशन हमने नहीं बनाई और बनानी चाहिए, आपके मन में कोई कार्टून से है, कोई स्टोरी है, तो स्टोरी को मेरे भाई प्लीज़ हमको इंस्टा पर मेंशन करके सेंड कर देना, एक मैसेज कर देना, उस स्टोरी को भेज देना जो कि आपके मन की होनी चाहिए। ऐसी स्टोरी नहीं आपने कॉपी पेस्ट करी हो तो उस स्टोरी में आनंद नहीं आता बनाते समय, क्योंकि वो स्टोरी कार्टून के अकॉर्डिंग होती ही नहीं है। यदि आपके मन में कोई कार्टून के अकॉर्डिंग स्टोरी है और आप चाहते इस पर कोई स्टोरी बनाए, तो हम आपको बना कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो उस स्टोरी को हमारे इंस्टा पर मैसेज करके भेज दीजिए, हम उसकी स्टोरी कल या परसों में बनाकर भेज देंगे। मुझे उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। अब रिकॉर्डिंग बटन पर आपको क्लिक कर लेना है, और रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको क्रोमाटून में कान मास्टर में चलना है। तो चलिए फटाफट से हम रिकॉर्डिंग को कर ली, रिकॉर्डिंग को करने के बाद हम कान मास्टर में चलते हैं और वहाँ जाकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड, हम फटाफट से कान मास्टर में आएँ। अब कान मास्टर में आने का ही मतलब यही है, यदि हम कान मास्टर में आएंगे तो हम कान मास्टर में अपनी वॉइस को चेंजिंग कर लेंगे। यदि अदर एप्लीकेशन में हम जाना चाहेंगे तो वहाँ पर हम वॉइस चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। तो हमारी फिलहाल ये इसकी रिकॉर्डिंग है, वहाँ तो मैंने एक लाइव इंट्रो नहीं दिया, लाइव समझा दिया कि इस तरीके से आपको काम करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपने करी है उसे इंपोर्ट कर लेना है, ऑडियो को म्यूट कर देना है। अब ऑडियो को म्यूट करने के बाद आपको यहाँ पर पेरेंट जूम का ऑप्शन में इस पर क्लिक करना है, यूट्यूब सर्च में से बड़े ही प्यार के साथ कन्वर्ट करना है कुछ इस तरीके से, जैसे हम कर रहे हैं इस तरीके से। इक्वल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, एंड बैक हट जाना है। इतना आपको काम करने के बाद इसकी ओपेसिटी कोई भी 46 में नहीं करनी है। सबसे पहले आपको एनिमेशन बाई एनिमेशन वीडियो को डिवाइडेड करना है, जैसे कि हम आपको बताते हैं कैसे। सबसे पहले आपको वीडियो को प्ले कर देना है, और जहाँ तक एक करेक्टर की एक्टिविटी हो रही है वहाँ से इस वीडियो को स्प्लाट कर देना है, जैसे कि आगे बढ़ते हैं और बताना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई भी करेक्टर की एक्टिविटी हमें नहीं दिखी, जैसे कि यहाँ से ठीक यहाँ से हम पार्ट को ट्रिम कर देंगे, और यहाँ से जो शीला है, मोहनी है, रोमणी है, कोहड़ी है, तो जो यहाँ पर आई है कैसे आकर यहाँ पर बोलना शुरू कर दी, तो यहाँ से हम इस पार्ट को ट्रिम कर देंगे। अब जहाँ तक ये बोलेगी वहाँ तक इस पार्ट को रखेंगे, वाकी को इसी तरीके से जैसे हमने इसको ट्रिम किया वैसे ट्रिम कर देंगे। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, सबसे पहला भैया यही समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम ये कर क्यों रहे हैं, इसकी हमें ज़रूरत क्या है। तो हाँ दोस्तों, इसकी सटीक ज़रूरत है, इसकी ठोस ज़रूरत है, वो है बॉस को ऐड करना। यदि हम इस तरीके से बॉस को ऐड करेंगे, वॉस को सही प्रॉपर तरीके से ऐड करेंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी वॉस को ऐड करने में। तो फटाफट से इसी तरीके से जितनी बड़ी वीडियो है वो सब कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि 5 मिनट की वीडियो है मेरे भाई। मेरे भाई हमने यहाँ पर क्या कर लिया, पूरी वीडियो को यहाँ पर ट्रिम कर लिया, आप देख सकते हैं पूरी वीडियो को ट्रिम कर लिया, और जो लकड़ी के गट्टर हमने यहाँ पर साइड में लगा दिए। अब लकड़ी को गट्टर को लगाने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले हम यहाँ पर एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन में गए, और जाने के बाद हमने कॉन्ट्रास्ट को फुल कर दिया। इससे हुआ क्या, इसका जो रंग है वो एकदम मोटा रंग हो गया। इसे नीचे करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके का रंग, और हमने ऊपर किया तो इस तरीके का रंग, तो हमने यह कर दिया।
हम इसकी जो क्वालिटी है वो बढ़ाएंगे तो बेकार हो जाएगा, इधर को करेंगे तो बेकार हो जाएगा। तो हमने फिक्स करते हुए हमने ऐसा कर दिखाया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, अब इतना आपने कर लिया, कोई टेंशन नहीं आपको। जहाँ पर जैसी एनिमेशन थी, जैसे यहाँ पर सुबह होने वाला था तो हमने सुबह होने वाली एनिमेशन यहाँ पर डाल दी। ये हमने पिक्साबे से डाउनलोड करी है, आप भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। हाँ, इतना आपको ध्यान रखना कि जहाँ से जो हमने बंडल डाउनलोड करें, इन बंडल को यहाँ से ऐसे करना है, और जो आप देख रहे हैं लकड़ी के गट्ठर, इनको भी हमने पिक्सल लैब इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन से डाउनलोड किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको वैक आना है, और यहाँ पर जो हमने दो चिड़िया ऐड करी हैं, इन चिड़िया के लिए भी आप इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। यह जी फाइल है, जो जिप फाइल होती है, जी आई एफ फाइल होती हैं, उनको हमने यहाँ पर इम्पोर्ट किया है, तो उन्हें हमने किकी सहायता से रन दे दिया है। आप यहाँ पर जाएंगे, जो हमने घर इम्पोर्ट किया कुछ इस तरीके से पैनर जूम की सहायता से हुआ है, कैसे हुआ है वो समझते हैं। फर्स्ट पोजीशन में यह बहुत जूम होगा जो कि आप देख रहे हैं, धीरे धीरे हम सेकंड पोजीशन में आने वाले हैं। यहाँ पर आए तो यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्मल वे में आ गया, तो इस तरीके से आप इसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें सेकंड पोजीशन में इसे सेट करना है, तो हम इसे पहले नॉर्मल कर लेते हैं, जब आप इम्पोर्ट करेंगे तो इस तरीके का नज़र आएगा। सेकंड पोजीशन में इसे हम जूम करना चाहते हैं, मान लीजिए कि हम इस घर पर फोकस करना चाहते हैं, बाकी पर कुछ नहीं, इतना हमने कर लिया। तब आप इस वीडियो को प्ले करेंगे तो देखिए कैसी वीडियो आपके सामने लेकर कर आएगी। चलिए हमने वीडियो को कर दिया प्ले। प्यारे से गांव में एक मोहन नाम का, देखिए तो फ्रेंड इस तरीके से कर दिया हमने। यहाँ पर अपने बॉस को भी ऐड कर दिया, जो कि आपने कल वाली स्टोरी नहीं देखी, जो आज मतलब पीछे रह गई, वो आपने स्टोरी नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 6 मिनट से 5 मिनट की वीडियो है, स्टोरी बढ़िया कंप्लीट यही वाली, तो उस स्टोरी को जाकर देख ली प्लीज। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि बहुत बढ़िया स्टोरी बनाई है। इसी तरीके से वॉइस रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक करके आप बॉस को भी बड़ी आसानी से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यदि आपको एडवांस लेवल की कार्टून सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे भाई, रिकॉर्डिंग। इसी तरीके के आपको बड़ी ही एडवांस एनिमेशन क्रिएट कर लेनी है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी आती है तो आप हमसे मैसेज कर सकते हैं। पहले आप इस स्टोरी को देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पैर में झुकने वाली एनिमेशन यहाँ पर कम्प्लीटली हुई है, तो आप उसे पैर में झुकने वाली एनिमेशन भी बना सकते हैं, वो बड़ी ही आसानी से बन जाती हैं। क्रोमाटून के अंदर एक पिकअप वाली एनिमेशन है, तो आप पिकअप वाली एनिमेशन को चूज कर लीजिए और इसे पैरों में झुका दीजिए। एक्सपोर्ट बटन पर आपको क्लिक करके अपनी वीडियो को अच्छी क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लेना है। तो चलिए मैं एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करके अपनी वीडियो को अच्छी क्वालिटी में एक्सपोर्ट करता हूँ और मिलता हूँ आपसे। तो फ्रेंड हमारी वीडियो हो चुकी है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो एक्सपोर्ट करने के बाद आप अपनी वीडियो को एडिट करेंगे और फिर फिर कार्टून बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।